नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SBN9 न्यूज। देश के गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दो दिन के दौरे पर हैं। टटोलने के लिए, यूपी चुनाव के नब्ज को पकड़ने के लिए दो दिन के दौरे पे यूपी आ रहे हैं। यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में। तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। सब लोग जमखम कर तैयारियां कर रहे हैं। तीन दशकों से सरकार नहीं रही कांग्रेस की, वो अपने वजूद को वापस लौटाने में पूरी जमखम से दम लगा रही है। लेकिन इस बीच अमित शाह के दौरे जो दो दिन के दौरे हैं, वो सिर्फ ये अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी में किस पार्टी का पलड़ा इस वक्त भारी चल रहा है। अगर इस चीज़ का वो जो है कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हैं, अगर इस चीज़ का मंथन करते हैं नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से जो यूपी के हैं, योगी जी से, तो शायद उन्हें ये एक चीज़ एहसास होगा कि फिलहाल में जब से लखीमपुर खीरी हिंसा हुई है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जो भी अपडेट्स आएंगे SBN9 न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चल रही है 2022 के चुनाव में। वो इस वजह से क्योंकि सपा बसपा और तमाम पार्टियाँ वो घर से निकलना उतना लाजमी नहीं समझ रहे हैं फिलहाल, ये ऐसा प्रियंका गांधी का आरोप रहा है। और इस रेस में भारतीय जनता पार्टी तो पीछे है ही, लेकिन अब पीएम मोदी के आने से और अमित शाह के दो दिन के दौरे से अब जो है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, प्रचार दोनों तरफ से देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि अब कांग्रेस का यहाँ से क्या रुख रहता है, क्योंकि प्रियंका गांधी पे वार होगा ही। जिस तरह से उन्होंने अभी माहौल बनाया था अपने पार्टियों के लिए, अपनी पार्टियों के लिए उन्होंने जान फूंक दिया था, इस पर अब हमला होगा भारतीय जनता पार्टी का, कोई और नहीं चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का। तो अब देखना होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आज किस तरह से मंथन करते हैं, किस तरह से टटोलते हैं और किस तरह से कहते हैं कि किस पार्टी, कौन सी पार्टी अभी इस रेस में आगे है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SBN9 न्यूज़। नमस्कार।